नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप बड़जाती आपका स्वागत करता हूँ नवजीवन क्लासेज पर। दोस्तों, हमारी जो साइंस की जो सीरीज चल रही थी, आज हम उसको निरंतर करेंगे और उसमें हम आज बात करेंगे आंखों की, कि क्या होती हैं आंखें, कैसे कार्य करती हैं। सब कुछ बताऊंगा मैं आज आपको कि आंखें क्या होती हैं, कैसे कार्य करती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंखों की। पहले तो मैंने थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाया है, वो समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद देखो मैं कितने जबरदस्त तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो हमारी आंखों के अंदर जो ये पूरा आंख का भाग है, जो ये सफेद भाग है, इसके पास में जो एक काला भाग है, उसके अंदर भी एक डॉट जैसा निशान है, उसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं उसको। और जो पुतली के चारों ओर और जो सफेद भाग के इस तरफ जो है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयरिस। क्या बोलते हैं? आयरिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आयरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरिस। अच्छा, इसको तो आयरिस बोलते हैं। और जो एक कॉर्निया भाग होता है ना, ये कॉर्निया भाग हमारे जो नेत्र के ऊपर एक पतली परत पाई जाती है, नेत्रदान महादान बोला जाता है ना, उसमें हमारी आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, डोनेट किया जाता है, वो है कॉर्निया। कौन सा भाग है? कॉर्निया भाग है जो डोनेट किया जाता है, यही कॉर्निया है जो डोनेट किया जाता है। इस चीज का आपको समझ में आया? आयरिस का मैंने आपको बता दिया, जो ये बीच में जो पुतली होती है, इसके पास में जो ये ब्लैक ब्लैक हिस्सा है, तो है ना, यही होता है आयरिस। और जो ये आयरिस होता है ना, यही क्या करता है, जब आंखें स्कैन होती है ना, तब इसी आयरिस को स्कैन किया जाता है, और यही आयरिस आंखों का रंग निर्धारित करता है। जैसे किसी को बोलते हैं ना, वो तो बुरिया छड़ो है, तो वो आयरिस होता है ना, उसमें उसने उनकी आंखों को भूरा रंग आयरिस ने ही दिया है। किसी का कुछ ब्लैक होता है तो वो आयरिस का ही होता है, तो आयरिस ही आंखों का रंग निर्धारित कौन करती है? आयरिस करती है। पुतली क्या होती है? ये जो पुतली होती है ना, जैसे ही आप, ये पुतली ही होती है जो आंखों में प्रकाश को, प्रकाश किससे होकर गुजरता है, प्रकाश गुजरने का अंदर रेटिना तक जाने का मार्ग हमारी ये पुतली होती है। जैसे आप आंख पर किसी बहुत ज्यादा टॉर्च से जब आंख में प्रकाश जाता है ना, तो ये पुतली क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और जब जैसे जैसे हम अंधेरे में जाते हैं, वैसे वैसे ये पुतली फैलने लगती है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि प्रकाश की तीव्रता में पुतली क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, और प्रकाश न होने पर पुतली फैल जाती है। यही पुतली है जो प्रकाश को रेटिना पर भेजती है। ठीक है, आपको रेटिना होता है ना, ये यहां पर होता है हमारी आंख के सामने, यहां से मस्तिष्क के पास संदेश जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये अंदर वाला जो हिस्सा मैंने बनाया है ना, इसको बोलते हैं रक्तक पटल, और जो ये बाहर वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं श्वेत पटल। ये अंदर का हिस्सा है, ये कहाँ का हिस्सा है? ये अंदर का हिस्सा है। अच्छा, अब मैं आपको रक्तक, और अंदर जो होता है ना, हमारी आंख के ये द्रव पदार्थ भरा रहता है, आंखें मुलायम रहती है, हमारी आंख के अंदर नेत्र जल किसको बोलते हैं? आंखें शुष्क न हो, इसलिए आंख में हर वक्त थोड़ा थोड़ी नम रहती है ना, उसी को बोलते हैं नेत्र जल। और ये जब नेत्र जल होता है ना, ये आंख जब शुष्क, आंखों का ये नेत्र जल सूख जाता है ना, तब एक रोग होता है, ग्लूकोमा रोग, नेत्र जल सूख जाने पर। अब मैं आपको आंख में प्रतिबिंब बनता कैसे है, या सीधा ही बनाती है क्या आंख प्रतिबिंब? नहीं, बहुत प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे कि ये आपने क्या हुआ कि कभी जो पांचवी कक्षा का प्यार आपको दिखाई दे गया, कभी कभी हो जाता है ऐसा, टकरा गया आपको, तो आपने उसको कैसे देखा, कितनी प्रक्रियाओं से उसका जो प्रतिबिंब है वो गुजरा, और उसके बाद जाकर बना। इस बेवफा ने तो नहीं समझा, लेकिन आज मैं आपको समझाता हूं, कभी मिले तो समझा देना कैसे बनता है। इसमें ये होता है कि हमको दिखा पांचवी कक्षा का प्यार, आज दिखा बहुत दिनों बाद, तो क्या होता है, हमारी आंख में इसका जो प्रतिबिंब है, जैसे कि मेरे और कैमरे के बीच जो कार्य कर रहा है ये मार्ग, अभी क्या है, उजाला, उजाला है, तो काम कौन करेगा, कौन सेल काम करेगी? कहने का मतलब, इसको बोलते हैं शंकु भी बोलते हैं, इसको शंकु कोशिका। अंदर गया, अंदर जाने के बाद यह पहुंची कॉर्निया से होते हुए, पुतली से होते हुए, लेंस से, उत्तल लेंस से होते हुए हमारे रेटिना के पास इसका संदेश पहुंचा, और रेटिना से पहुंचा मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क ने फिर रेटिना पर आई, फिर रेटिना आंख के माध्यम से इसका चित्र बनाती है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने इसको देखा, और अगर आपका मस्तिष्क जब काम नहीं करे,
इसको देखते ही क्या होता है, मस्तिष्क काम नहीं करता है। मस्तिष्क काम अगर आपका नहीं करेगा तो इसका चित्र कैसा बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। ऐसा चित्र बनेगा, पंजिया ऊपर ना उछिएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब अपनी आंखों में हमेशा उल्टा ही बनता है। मस्तिष्क में भी मैं आपको बताऊंगा, उसको सीधा करने का कार्य मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क कह रहा बाबड़ा सीख तो दे, तो वो सीधा होता है और उसके बाद आंखों के माध्यम से वो प्रतिबिंब कुछ मिनट, मतलब वक्त तो लगता ही नहीं है, फिर इसका प्रतिबिंब हमको ऐसा दिखाई देता है, रेटिना पर बना। रेटिना ने मस्तिष्क को संदेश किया कि ओहो मुझको कुछ दिखाई दिया, ये दिखाई दिया तो मस्तिष्क समझ जाता है कि अच्छा सीधा करो, इसको सीधा होता है उसके बाद हमें यह प्रतिबिंब। कहने का मतलब नेत्र में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसको सीधा करने का कार्य मस्तिष्क का होता है। यह बात आपको समझ में आ गई, रेटिना यहां पर होता है। एक चीज अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि एक तो हम अंधेरे में देखते हैं और एक हम उजाले में देखते हैं, इसके लिए भी दो अलग अलग सेल उत्तरदायी है। एक कौन सी होती है? एक तो होती है कोन सेल और एक होती है रोड सेल। रोड सेल होती है ये छड़नुमा है, और जो कोन सेल है ये शंकुनुमा कोशिका है। शंकुनुमा वो कैसे, इसकी आकृति भी मैं थोड़ी सी आपको बना के दिखाता हूं। कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति होती है, और जो ये रोड सेल होती है ना, इसकी आकृति यहां से तो सेम होती है, ठीक है, लेकिन ये आगे जाकर ऐसे रोड नुमा ही संरचना होती है। ये तो होती है रोड सेल। क्या करती है रोड सेल? अंधेरे में देखने के लिए कौन उत्तरदायी है? अगर ऐसा आए तो वो है छड़ कोशिका या रोड सेल। और हमें रंगों को देखने के लिए कौन मदद करती है? वो करती है कौन सेल या शंकु कोशिकाएं। अच्छा अब आप पूछोगे तो कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्तियों को रात में दिखाई नहीं देता, जिसको बोलते हैं रतौंधी रोग। अब उस रतौंधी रोग में क्या होता है, मैं आपको वो बताता हूं कि रतौंधी रोग के अंदर ये जो रोड सेल होती है ना, ये काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से रात्रि के अंदर दिखाई नहीं देता। कैसे काम? आपने ये तो बहुत सुना है रतौंधी रोग में रात को दिखाई नहीं देता, लेकिन किस वजह से नहीं दिखाई देता वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसलिए नहीं दिखाई देता कि रोड सेल कार्य नहीं करती, ठीक है, ये तो बता दिया। इससे क्या समझ में? अब मैं आपको आगे बताता हूं कि आपको मैंने बताया था रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? विटामिन ए, मतलब रेटिनोल। विटामिन ए की कमी से कौन सा? रतौंधी। अच्छा ये जो रेटिनोल होता है ना, इस रेटिनोल की कमी की वजह से एक कोई रेटिनोल नाम, रेटिनोज नाम से ही एक पदार्थ होता है हमारी आंखों में, वो पदार्थ उसकी कमी हो जाती है, रेटिनोल पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में इसकी कमी हो जाती है। कहने का मतलब रेटिनोल की कमी होने की वजह से विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी होने से जो ये रोड सेल है ये कार्य करना बंद कर देती है। अब मैं आपको इतना बता दिया ये रोड सेल। अच्छा कौन सेल क्या करती है? ये जो कौन सेल है ना, ये क्या करती है, ये हमको रंगों के बारे में बताती है, और केवल कौन, हमारी आंखें तीन ही रंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है, केवल तीन रंग। तो फिर आप बोलोगे कि हमको तो बहुत से प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, वो कैसे देते हैं वो भी बताता हूं। हमारी आंखें केवल इन तीन ही रंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है, क्योंकि इन्हीं तीन रंगों से मिलकर अन्य रंग बनते हैं, और सबके मिलने से सफेद रंग बन जाता है। इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है? कौन सेल से प्राप्त होती है। किसकी? रंगों के बारे में कौन बताती है? कौन सेल, और रात को देखने के अंदर रोड सेल। इतना समझ में आया? लाल हरा नीला रंग, इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग, किन्हें बोलते हैं? लाल नीला हरा। जब अगर इन तीनों में से हमारी कौन सेल अगर एक भी रंग के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाती है, तो हमें कौन सा रोग होता है? वर्णांधता, जो आनुवांशिक होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें से या तो यह नहीं पता चलता, या इसके बारे में नहीं पता चलता, जिसके कारण से सारे रंग, तीनों रंग एक साथ नहीं हो पाते और रंगों का विभेद नहीं हो पाता। यही तो वजह है जिसके कारण, जिसकी जिम्मेदार कौन है, ये कौन सेल जिम्मेदार है। लाल हरा नीला रंग के बारे में हमें उजाले के अंदर
कौन सेल से पता चलता है? अंधेरे में किसी चीज को पहचानने के लिए रोड सेल से पता चलता है। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको आंखों के रोगों के बारे में बताऊंगा। अच्छा, पुतली के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पुतली का क्या कार्य होता है, यहां तक पहुंचाने का कार्य होता है। कॉर्निया का क्या कार्य होता है, किसी वस्तु को पहचानने का, कहने का मतलब कॉर्निया ही है सब कुछ। आयरिस क्या करता है, ये जो आयरिस होता है ये रंग का निर्धारण करता है आंख की। रेटिना क्या करता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और क्या बता रहा है, ये जो ध्रुव, अच्छा जो हमारी आंख के ऊपर जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है हमारी आंख के अंदर, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। नेत्र जल होता है हमारी आंख के अंदर थोड़ी थोड़ी, जो सूख जाने पर ग्लूकोमा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, अभी आपको मैं रोगों के बारे में बता देता हूं कि हमारी आंखों की, पहले तो मैं परास बताता हूं आपको कि परास कितनी होती है, कहने का मतलब देखने की क्षमताएं कितनी होती है। 25 सेमी, 25 सेमी के बाद आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, 25 सेमी से लेकर अनंत तक देख सकती है हमारी आंखें, अनंत तक आंखें देख सकती है। स्वस्थ आंख की परास है ये, 25 सेमी से लेकर अनंत तक, ठीक है जी। अब मैं आंखों का कुछ रोग बता देता हूं। पहले तो बताता हूं आपको निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को ही क्या बोला जाता, कई बार क्या करता है कि इनके नाम पूछता है, इसको बोलते हैं मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया कहा जाता है, पूछा हुआ है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, इसमें निकट की वस्तु, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष नाम है लेकिन काम एकदम उल्टा है। निकट दृष्टि दोष आप तो ये समझोगे कि निकट की वस्तु का दृष्टि दोष है, नहीं, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है इसमें। दूर की वस्तु न दिखाई देने पर इसका उपचार क्या है, इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसलिए इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस लगाता है, साफ सपट दिखे एकदम, ठीक है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, निकट की वस्तु दिखाई देती है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उपचार है अवतल लेंस। अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसके लिए क्या उपचार है, इसके लिए उपचार है उत्तल लेंस। निकट की वस्तु जब दिखाई न दे तो उत्तल लेंस, दूर की वस्तु न दिखाई दे तो अवतल लेंस। ये मैंने आपको बताया, परास के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैंने आपको नेत्र के बारे में भी समझाया। अब मैं आपको इन दो रोग बता दिया, निकट और दूरदृष्टि दोष। अब मैं आपको बताता हूं मोतियाबिंद, मोतिया, ये जो मोतियाबिंद होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो कॉर्निया, ये जो कॉर्निया भाग है ना, ये कॉर्निया, इस कॉर्निया भाग के ऊपर सफेद परतनुमा संरचना आ जाती है। क्या होता है कि यह जो कॉर्निया भाग होता है ना, इसके ऊपर कुछ सफेद पदार्थ, कुछ अवरोध आ जाते हैं जिसके कारण वस्तु चाहे नजदीक की हो चाहे दूर की हो वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। क्या नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती, मोतियाबिंद। कॉर्निया इसके लिए उत्तरदायी, कॉर्निया पर परत चढ़ जाती है इसमें, एक चीज तो ये। और एक चीज ये है कि जो ये मोतियाबिंद हो जाता है ये ज्यादातर जरा बुढ़ापा में होता है। कब होता है, बुढ़ापा की अवस्था में होता है, कब होता है, बुढ़ापा की अवस्था में होता है। अच्छा, आपको बता दिया इसमें प्रभावित कौन होता है, कॉर्निया, कॉर्निया पर परत आ जाती है जिसके कारण हमारे नेत्र में प्रकाश जा ही नहीं पाता है, कहने का मतलब कोई वस्तु का परावर्तन कर देती है, फिर से परावर्तन बाहर से ही हो जाता है, हमारे रेटिना तक उसका चित्र नहीं पहुंच पाता है तो मस्तिष्क से नहीं पहुंचता और धुंधली दिखाई देती है, चाहे कन्ने की हो चाहे दूर की हो, बुढ़ापा का मायने वही रोग है। अगर मोतियाबिंद रोग, कौन सा रोग, मोतियाबिंद। एक अच्छा, इसके लिए इंट्राओक्यूलर, इंट्राओक्यूलर लेंस,
किसका प्रयोग किया जाता है? इंट्राओक्युलर लेंस का प्रयोग किया जाता है मोतियाबिंद के अंदर। और एक आपने सुना होगा वर्णांधता के बारे में, मैंने आपको यहां पर भी कोन लेंस या शंकु कोशिकाओं में भी बताया था कि वर्णांधता कब होती है, जब यह शंकु कोशिका इन तीनों रंगों में से किसी का एक रंग में भेद नहीं कर पाती है, जिसके कारण सारे रंग गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि सारे रंग ये तीनों रंग मिलकर ही बनाते हैं, लाल हरा नीला जिसको प्राइमरी रंग कहते हैं, यही मिलकर प्रत्येक रंग का निर्माण करते हैं। इनमें से किसी भी एक रंग का हमारा जो कोन लेंस है, ये कोन सेल है, ये अगर भेद न कर पाए तो प्रत्येक रंग ही गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन सेल है? तो वर्णांधता के बारे में बताता हूं। ये जो वर्णांधता होती है, ये आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है, कहने का मतलब इसके अंदर हरा और लाल, इसके अंदर आया हुआ है, मैंने बताया हरा और लाल, इन रंगों कोई भी एक रंग हो उसमें भेद नहीं हो पाता है, लेकिन वो जो वर्णांधता हो जाती है तो इनको जब आपस में मिलाएंगे ना, तब ये हरा और लाल रंग बन ही नहीं पाएंगे, अगर एक भी कलर का भेद नहीं हुआ तो ये हरा और लाल रंग का भेद नहीं होता है वर्णांधता में, ठीक है? तो इसमें क्या होता है फिर? प्राथमिक रंगों में भेद नहीं होता है, वर्णांधता हो गया। ये कैसा रोग है? ये एक अनुवंशिक रोग है, कहने का मतलब इसमें रोगी हमेशा नर, आगे बता देता हूं आपको, रोगी कौन होता है? रोगी हमेशा नर होता है और वाहक हमेशा मादाएं होती हैं। ये भी आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा रोग और बता देता हूं, दृष्टिवेश में। कौन सा रोग है? दृष्टिवेशम में, दृष्टि वेशम में। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये पीछे का जो रेटिना भाग है ना, इसमें कुछ अनियमितताएं हो जाती हैं, अनियमितताओं के कारण ये रोग होता है। दृष्टिवेशम में रोग किसको बोलते हैं हमारी? और हाँ, वर्णांधता में एक चीज और बताता हूं, वर्णांधता में क्या होता है कि हमारी ये वर्णांधता है, जब ये कोन सेल है ना, मैंने आपको इसका चित्र बना के दिखाया था कि कोन सेल में वो कुछ ऐसी संरचना मैंने आपको बताई थी, ऐसी संरचना बनाई थी, ऐसे कोन होते हैं, वो आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, और जब ये शलाकाएं या शंकु अगर आपस में अव्यवस्थित हो जाए, कहने का मतलब कुछ ऐसे हो जाए, कुछ गड़बड़ प्रक्रिया इनमें हो जाती है, तब इन रंगों का भी ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर इसकी संरचना में थोड़ा सा भी ऐसे परिवर्तन हो जाए इस कोन सेल में, तो क्या होता है? इन रंगों का भेद नहीं हो पाता है। एक मैंने आपको दृष्टि वैषम्य के बारे में बताया, इसमें भी आंखों में भी प्रॉब्लम होती है, कॉर्निया भाग में क्या होता है कि इसमें अनियमितता आ जाती है। अनियमितता आने का कारण क्या होता है? सफेद, वही मोतियाबिंद वाला हो जाता है इसमें। यह मैंने आपको बताया आज आंख के बारे में, और आंख के बारे में इससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं, दान किया जाता है, कॉर्निया आयरिस रंग निर्धारित करती है, पुतली होती है, इसके माध्यम से प्रकाश जाता है। अच्छा, नेत्र जल, कहने का मतलब ग्लूकोमा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ग्लूकोमा में क्या होता है? ग्लूकोमा में नेत्र जल सूख जाता है, नेत्र जल सूखने पर यह ग्लूकोमा रोग होता है, ठीक है? इसमें बाद में न तो नजदीक की वस्तु सही दिखाई देती है और न दूर की वस्तु सही दिखाई देती है, और जब ये दोनों एक साथ कभी भी कार्य नहीं करते, रोड सेल और कोन सेल कभी भी एक साथ कार्य नहीं करते हैं ये, और अगर हम कई बार क्या होता है कि अचानक प्रकाश को ही देखते देखते दूसरी तरफ देखें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उस परिस्थिति में क्या होता है कि ये जो कोन सेल है ना, ये इस रोड सेल में अचानक से नहीं परिवर्तन हो पाती, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि एक साथ इस वजह से ये कार्य कर सकती है, लेकिन एक साथ वैसे कार्य नहीं करती, सामान्य स्थिति में एक साथ कार्य नहीं करती। अब आप बोलोगे कि तो उल्लू वो तो रात में दिखाई देता है, क्योंकि उल्लू में कौन सी सेल होती है? रोड सेल भयंकर तरीके से एक्टिव होती है उसके अंदर, इसीलिए तो उसको रात को दिखाई देता है। कौन सेल तो रंगों का भी भेद करती है, दिन में दिखाती है तो उसमें कौन सेल होता ही नहीं है, यही कारण है। किरणें निकलती हैं उसकी आंखों से, परावर्तित होती हैं, वापस आती हैं, परावर्तन की वजह से देखता है वो, इसी से तो निकलती है वो, हमारी आंखों से भी निकलती है, आइडिया लग जाता है वो चीज यहां पे है, सीधा उठा लेते हैं, ऐसा ही है। तो आज मैंने आपको आंख के बारे में बताया, और आंख के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा भी। अगर अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।